डिलीवरी डेट जैसे जैसे नज़दीक आने लगती है वैसे वैसे खुशी तो बढ़ती है, लेकिन उसके साथ घबराहट भी काफ़ी होने लगती है, स्पेशली उन गर्भवती महिलाओं के लिए जिनका ये फर्स्ट बेबी है। फ्रेंड्स, डिलीवरी बैग वैसे तो आप कभी भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो भी डिलीवरी डेट आपके डॉक्टर द्वारा दी गई है, अगर आप उससे 2 हफ्ता पहले अपना डिलीवरी बैग पैक कर लेते हैं, तो जो लास्ट मिनट में प्रॉब्लम्स होती हैं कि कोई सामान है या नहीं है, तो वो आप पहले से ही अरेंज करके रख लेते हैं। और कई बार प्रसव पीड़ा जो डिलीवरी डेट आपको दी गई है उससे पहले भी हो सकती है, तो लास्ट मिनट में वो लेबर पेंस के दौरान पैकिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और जब प्रसव पीड़ा में होते हैं तो फैमिली मेम्बर्स भी उतने ही घबराहट में होते हैं जितने आप में, तो आप अगर अपना डिलीवरी बैग पहले से तैयार कर लेंगे तो ये जो लास्ट मिनट की प्रॉब्लम्स हैं आप उससे बच सकते हैं। अभी जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, हेलो टू ऑल, आई एम डॉक्टर शालिनी जलूत्रिया, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हेल्प लाइन। तो फ्रेंड्स, जो डिलीवरी बैग होते हैं वो आपको दो रखने हैं, एक तो गर्भवती महिला के लिए और एक होने वाले बच्चे के लिए। और ये जो डिलीवरी बैग है वो भारी भी हो सकता है, हल्की भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपकी डिलीवरी किस टाइम पे हो रही है। यानी कि अगर आपकी डिलीवरी अभी आने वाले विंटर्स के मंथ में है तो ये डिलीवरी बैग काफ़ी हैवी भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है आपको नॉर्मल हल्के कपड़ों के साथ साथ वुलन क्लोथ्स भी रखने पड़ सकते हैं। और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपका जो है डिलीवरी नॉर्मल होता है तो जो है कम कपड़े जो है पैक करने पड़ेंगे। अगर आपका पहले से डिसाइडेड है कि ये जो है डिलीवरी आपकी सिजेरियन डिलीवरी होगी तो बैग थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो अभी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात, आपकी जो है हॉस्पिटल फाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है। हॉस्पिटल फाइल जिसमें आपकी सारी जांचें, आपका सारा अल्ट्रासाउंड, आपकी क्या जो दवाइयाँ चली हैं, कोई अगर मेडिसिन से रिलेट मेडिसिन की जो प्रिस्क्रिप्शंस है वो सारी आपकी एक फाइल में होनी चाहिए। मैंने बहुत बार ये देखा है कि पेशेंट्स क्या करते हैं, और जो हॉस्पिटल फाइल होती है उसमें सारे बिल्स भी रख लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होगा, उसमें आधार कार्ड भी होगा, तो ये आपको हॉस्पिटल फाइल के साथ नहीं करना है। हॉस्पिटल फाइल सिर्फ आपके प्लीज़ रिकॉर्ड्स के लिए होनी चाहिए। और अभी अगर आपका डिलीवरी टाइम में डिलीवरी के लिए अभी टाइम बचा है तो हॉस्पिटल फाइल आपकी एक ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पर आपको हमेशा याद रहे और आप वहाँ से उठाएं, और स्पेशली अपनी जो एंटीनेटल केयर है जब भी आपको विजिट करना है डॉक्टर के पास आप ले जाएँ। और अगर आपका डिलीवरी डेट अभी जो है पास में है तो आप डिलीवरी बैग में ही जो है आप अपनी फाइल रख सकते हैं ताकि आप भूलें नहीं। दूसरी बात, एक और फाइल आपके पास होनी चाहिए जिसमें आपने अलग से अपने आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी है वो आपने पहले से जो है रखी हुई। तो आपके पास दो फाइल्स होंगी, एक तो हॉस्पिटल फाइल जो कि आपके अपने रिकॉर्ड्स के लिए होगी, और दूसरी फाइल जिसमें आपने अपना सारा आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ और जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपने रखी हुई होगी। तो ये तो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात। और दूसरी बात, जो दूसरी चीज़ है वो क्या रखना है आपने अपने डिलीवरी बैग में, आपके पास 2-3 मेटर्निटी गाउन्स होने चाहिए। मेटर्निटी गाउन हम स्पेशली इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको बस ये देखना है कि जो आपका गाउन हो उसमें जो है सामने की तरफ चेन लगी हो ताकि आपको ब्रेस्ट फीड करवाने में कोई मुश्किल ना हो। तो आप 2-3 रख लेंगे तो ये भी बहुत है। बाकी जो है आपको थोड़ी सी जो है आप अपने साथ जो है 8 से 10 कम से कम जो है पैंटीज रखिए अपने साथ जो कि आप इस्तेमाल करके थ्रो कर सकें, क्योंकि जो है पुरानी आप रख लेंगे तो बेटर है, क्योंकि अभी जब डिलीवरी होती है तो उसके फर्स्ट 2-3 डेज़ में जो है काफ़ी आपको ब्लीडिंग हो सकती है, तो वो उठ के धोना, आप ऑलरेडी इतने एग्जॉस्टेड हैं काफ़ी बार मुश्किल हो जाता है, और सर्दी का टाइम है तो अंडरवेयर जनरली सूखती भी नहीं है, तो आप यूज़ एंड थ्रो टाइप की 8-10 पुरानी अंडरवेयर अपने साथ रख सकते हैं। और साथ में आपको रखने हैं बहुत सारे पैड्स, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी ब्लीडिंग हो, और अगर आपकी डिलीवरी गवर्नमेंट सेटअप में है या फिर प्राइवेट सेटअप में है तो कितने पैड वो दे रहे हैं, कितने पैड नहीं दे रहे हैं, हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखनी है ऑल एंड ऑल। साथ में आपको रखने हैं 3-4 वेल फिटिंग ब्रा, क्योंकि प्रॉब्लम कई बार क्या होती है जब हमारा ब्रेस्ट मिल्क आ रहा होता है तो काफ़ी ब्रेस्ट हैवी भी हो जाती है और नीचे की तरफ लटकने लगती हैं, तो वो अगर आप वेल फिटेड ब्रास पहनोगे तो एक तो आपको जो सैगिंग की वजह से जो दर्द होता है स्तनों में वो नहीं होगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। साथ में जो है आपको अपने साथ रखना है सॉक्स रखनी है,
आप कॉटन की सॉक्स रख सकती हैं, स्कार्फ रख सकती हैं, ठीक है। पहले के लोग बोलते थे कि जो है ढक के रहना है, ढक के रहना है, तो उसका जो है जो उसके पीछे कारण है वो ये है कि जस्ट डिलीवरी के बाद आपके जो है इतना ब्लड लॉस होता है, तो जो है जब आप थोड़ा गर्म रहते हैं तो ब्लड वेसल्स में जो है खून का रिसाव बेटर रहता है, तो आपको जो है ठंड थोड़ी कम लगेगी, आपकी बॉडी गर्म रहेगी, तो जहाँ पर भी जो वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स डायलेट हो रही हैं, जो खून का रिसाव बढ़ रहा है, तो जो जो भी थोड़े बहुत हल्के फुल्के जो है कट पड़े हुए हैं, तो उसमें जो है हीलिंग बेटर होगी। तो इसलिए भी जो है आपको ढक के रहना है। और एक पाउच अपने पास रखिए जिसमें कि जो है सारी टॉयलेट्रीज रखी हुई, यानी कि आपका जो है ब्रश रखा हुआ हो, सोप रखा हो, साबुन रखा हो, मॉइस्चराइजर रखा हो, टूथपेस्ट रखा हो, वेट वाइप्स आपको अपने साथ ज़रूर रखनी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कुछ अगर आपको लगता है कि थोड़ा गंदा है, तो आप थोड़ा सा जो है या आपके हाथ थोड़े गंदे हो गए, तो आप वेट वाइप से जो है पोंछ कर जो है उसको डस्टबिन में फेंक सके। साथ ही साथ जो है आपको अपने साथ रखना है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर जो होता है उसमें जो अपनी बॉडी को जो है मॉइस्चराइज करके रखें ताकि ड्राइनेस ना हो। शॉल आप अपने साथ रख सकते हैं, शॉल जो है हल्की भी हो सकती है, भारी भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि आपका डिलीवरी कब हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ में इम्पॉर्टेंट है वाटर बॉटल, जिसमें कि जो है पानी अगर गर्म रहता है तो वो भी रख सकते हैं, और वाटर बॉयलर अगर आप रख लेंगे तो वो और भी बेटर है, क्योंकि अगर डिलीवरी आपकी नॉर्मल हुई है तो जो है तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको खुद भी अपने लिए जो है थोड़ा गर्म पानी पियेंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर डिलीवरी सिजेरियन से हुई है, बच्चे को अगर फीड करवाना है तो उसकी फीड बनाने के लिए भी जो आपको थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए होगा, तो उसमें वो हेल्प करेगा। साथ में जो है आप अपने साथ जो है पिलोज रख सकते हैं, यानी कि एक हल्का सा कंबल रख लिया, तकिया रख लिया। और डिलीवरी यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है तो कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, लेकिन आपको अपने साथ ये साफ़ सुथरी कंबल और पिलो ज़रूर रखनी है। अपने साथ थोड़ा अपने साथ जो है दो चम्मच, दो कटोरी, दो प्लेट रखना ना भूलें। साथ ही साथ में है कंघी रखें, जैसे कि आपकी डिलीवरी हो जाती है, नेक्स्ट डे आप थोड़ा बेटर फील करते हैं, तो अपने बाल वाल सब जो है बांध कर रखिए, कोम करके रखिए अच्छे से, इससे भी आपको थोड़ा बेटर फील होगा। आप अपने साथ जो है स्लिपर्स यानी चप्पलें जो है रख स्लिपर्स आप अपनी प्लीज़ रखिए, कोई भी चप्पल आप रख सकती हैं। तीन चार जो है सॉफ्ट कॉटन क्लोथ की कतरनें आप अपने साथ रख सकती हैं, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अब नेक्स्ट बैग तैयार करना है हमें अपने बेबी के लिए। जो होने वाला बेबी है, एक तो आपको रखने हैं दो छोटे टॉवल, दो बड़े टॉवल। जो बड़े टॉवल होंगे उसमें जब आप जब बेबी की डिलीवरी होती है तो वो आपसे जो है एक टॉवल और एक कपड़ा ज़रूर मांगते हैं बच्चे को पहनाने के लिए, तो ये एक जो टॉवल है बच्चे को रैप करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। बाकी जो है अपने साथ आप प्लीज़ रखिए 8-10 जो है कॉटन की बनियानें रख सकती हैं, और जो है शर्ट्स रखिए जिसके जो कि आगे के बटन हैं वो वेलक्रो टाइप होंगे तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि खोलने में और बंद करने में आसानी होगी, नहीं तो जो है फ्रंट बटन्स होंगे तो जो स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मदर्स बन रही है उनके लिए जो है बच्चे को पहनाने में और उतारने में कम दिक्कत आती है। कोशिश करिए कि जो भी आपकी शर्ट्स हों बच्चे की वो फुल स्लीव्स हों। और पजामी आप को खूब सारी रखनी है, नैपीज आप रख सकते हो, वेट वाइप्स आपको रखने हैं, सैनिटाइज़र आपको रखना है, और साथ में जो है बच्चे के लिए टोपी रखनी है, और ग्लव्स अगर आप रख सकते हैं तो वो बहुत बढ़िया है, और साथ में जो है सॉक्स आप प्लीज़ रखिए, ठीक है। अभी जो मैं ये बता रही हूँ कि जो है पजामियाँ और ये सारे शर्ट्स वगैरह जो है थोड़े आप ज़्यादा मात्रा में ही लेके जाइए, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है जितनी बार वो फीड करता है उतनी बार वो अपने कपड़े गंदे कर सकता है, तो आप जो है बार बार तो घर जा नहीं पाएंगे कि जो है बार बार दोबारा से कपड़े लेकर आएँ। और दूसरी बात यह है कि जब सर्दियों के टाइम में डिलीवरी होती है तो सूखने में भी मुश्किल होती है, तो आप अपने साथ इनफ क्वान्टिटी आप लेकर जाइए। साथ में जो है ये सब कई बार मदर्स को ये नहीं समझ में आता है कि हमें कितने कपड़े पहनाने हैं, तो फ्रेंड्स जो भी जिस भी तरीके का मौसम हो, जैसे कि गर्मी है या फिर बरसात हो गई है अचानक से, या फिर जो है विंटर्स हैं,
तो जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं, जो बच्चों वाले डॉक्टर होते हैं, वो स्पेशली बोलते हैं कि जितनी ठंड हमें लग रही है, जितने कपड़े हमने पहने और जितने में हम कंफर्टेबल है, उससे जस्ट एक कपड़ा हमें फालतू बच्चे को पहनाना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि मदर्स को पता नहीं होता है, तो बहुत सारे कपड़े बच्चों को पहना देते हैं, तो उससे बच्चे जो है काफ़ी उनको फीवर आ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये एक रफ आइडिया है कि आपको कितना कपड़ा पहनाना है। देखिए फ्रेंड्स, जब बच्चा बाहर आता है तो उसको जो है हल्की सी गर्माहट में आपको रखना ही पड़ता है, क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसके आसपास एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। तो जैसे ही बच्चा तुरंत बाहर आता है तो उसको हम हल्का सा जो है गर्म रखने की ही कोशिश करते हैं। हाँ, बट हाँ, ये ज़रूर देखना है कि बहुत ज़्यादा आप कपड़े ना पहना दें, वो देखना भी ज़रूरी है। साथ में जो है बच्चे के लिए बिब्स भी आप रख सकते हैं। बिब्स से होता है कि एक कपड़ा होता है जो हम बांध देते हैं, स्पेशली जब हम बच्चे को फीड करवाते हैं, डकार दिलवाते हैं, तो कई बार बच्चे सारे कपड़े गंदे कर देते हैं, तो बार बार बच्चे के कपड़े उतारना और पहनाना, तो उसमें भी बच्चे को ठंड लग सकती है। तो बिब अगर होगा तो बच्चे के कपड़े थोड़े से बचे हुए रह सकते हैं। साथ में जो है बच्चों के लिए किट आती है जिसमें उसका मॉइस्चराइज़र, उसके लिए जो है शैम्पू, उसके लिए वेट वाइप्स, और ये सब जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो वो आप जो है ख़रीद सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें इस्तेमाल करने से बच्चे के स्किन पे कोई रैशेज आ रहे हैं, तो वो आप फिर किट चेंज भी कर सकते हैं। याद रखिए, बच्चे की स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो कोई ऐसे रगड़ के कोई मालिश करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली अगर आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं तो उन्हें सारी चीज़ें काफ़ी मालूम होती हैं, तो प्लीज़ अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। साथ में जो है एक इम्पॉर्टेंट बात और, कि बच्चा के लिए हम ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं उसके साथ बच्चे के आसपास साफ़ सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी है। स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मैंने देखा है, जहाँ पर मैंने काम किया है, कि जहाँ पर पेशेंट्स होते हैं वो जगह तो वो साफ़ रखते हैं, लेकिन आसपास जो है जैसे किसी कोई चीज़ पोछा या फिर कोई भी चीज़ जो है गंदी हो गई, साथ के साथ जो है वहीं पर फेंक दी, ये चीज़ गलत है। आपको जो है अपने बच्चे के आसपास भी सफाई ही रखनी है, क्योंकि अगर मक्खी इधर भी आ सकती है तो वहाँ से उड़कर आपके बच्चे पर भी बैठ सकती है। साथ में कोशिश करिए कि जो है जो बच्चे से मिलने वाले हैं वो थोड़े जो जो आना जाना है वो लोगों का कम रहे, और सैनिटाइज़र आप प्लीज़ रखिए। ये सब तो बातें हो गई डिलीवरी बैग की। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए जब हम एक ऐसे शहर में होते हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे दिल्ली मुंबई, तो वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कभी भी जो है आने जाने के लिए जो है कार, स्कूटर, बस सब मिल सकती है। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर जो है घर से लेकर हॉस्पिटल का डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है, तो प्लीज़ इंश्योर करिए कि, या अगर आपके पास गाड़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो कुछ ऐसा अरेंज आप पहले से करके रखिए, ताकि अगर आपको इमरजेंसी में लेबर पेंस आते हैं तो आपकी आवाजाही में कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही में जो भी आपके साथ पार्टनर या आपके साथ जो भी सपोर्ट करने के लिए जा रहा है प्रेगनेंसी में, तो जो है कोशिश करिए कि उन लोगों का भी एक अपना छोटा सा बैग हो, जिसमें कि जो है स्नैक्स, कैश और जो भी वो रखना चाहे वो रखे, ताकि उन जितना कंफर्टेबल उनके लिए होगा उतना ही कंफर्टेबल आपके लिए भी होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो प्लीज़ पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।